हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं रंजीता एंड यू आर वॉचिंग ग्राउंड इश्यूज. गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. गाइज, आज की वीडियो में अगेन मैं मीशो हॉल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इसमें सारे कुर्ता सेट्स ऐसे हैं जो आप डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन में भी कैरी कर सकते हो. छोटी मोटी पार्टीज ओकेजन, घर में जो छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें भी आप कैरी कर सकते हो. अगर आप स्कूल जाते हो, सॉरी कॉलेज जाते हो, या फिर टीचर हो, या फिर वर्किंग वूमन हो, तो भी आप इसे स्टाइल करके कैरी कर सकते हो. काफ़ी वर्सेटाइल पीसेज हैं, बहुत ही ट्रेंडी स्टाइलिश, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे एंड सबों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सको. सो लेट्स बिगिन. सो गाइज, ये है मेरा पहला कुर्ता सेट. इसे शायद आपने देख लिया हो. ये मैंने एक दो शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें शायद इसे आपने मुझे वेयर किए हुए देख लिया हो. तो इस कंप्लीट सेट है एंड इसमें ये है पजामा. आप देख लो, फ्रंट एंड बोथ साइड इलास्टिक दिया हुआ, काफ़ी कंफर्टेबल है. साथ में आपको हैंग करने के लिए ये लूप्स दिए हुए हैं एंड ये पैंट है, बिल्कुल प्लेन है. लेंथ वगैरह सारे सब कुछ, फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है. रेवन की फैब्रिक है एंड ये आपको दुपट्टा मिल जाता है. दुपट्टा की लंबाई काफ़ी अच्छी है सी एंड इसमें भी वर्क दिया, चारों तरफ आपको बॉर्डर मिल जाएगी. लुक एट दिस सी, काफ़ी नीट एंड क्लीन वर्क है एंड ये इसकी चौड़ाई कम है, इसे आप साइड से ही ले सकते हो. लुक एट दिस, इतनी इसकी चौड़ाई है, दैट्स इट. एंड ये आप साइड से ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड इसकी लेंथ वगैरह तो काफ़ी अच्छी है. नेट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वो सॉफ्ट वाले नेट नहीं है, बट इट्स ओके, चलता है. एंड इतने कम प्राइस में और क्या चाहिए हमें, एंड कम्प्लीट सेट मिल रहा है तो और क्या चाहिए, एंड इतने वर्क के साथ वो भी. एंड दिस इज़ कुर्ता एंड इसका नेक लाइन कुछ इस तरह का आप देख सकते हो. ये वर्क है इसका नेक में, स्लीव्स 3/4 एंड ये इसका वर्क बॉर्डर एंड पूरे कुर्ती में आपको इस तरह का वर्क मिल जाएगा. पहन ये अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो ये आप पहन के जा सकते हो. छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज वगैरह, घर में छोटा मोटा फंक्शन है तो उसमें भी बड़ी आसानी से कैरी कर सकते हो. तो गाइज सबके सारे कुर्तीज़ वगैरह के कोड्स एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. एंड सारा सब कुछ आप ट्रायल में तो आपको क्लियर हो ही जा रहा है कि किस कुर्ती का लुक कैसा आ रहा है. सो डोंट वरी, जस्ट इन्जॉय द वीडियो एंड आप मुझे बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी है, और मैं भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी अपनी फेवरेट वाली कुर्ती. ये है माई सेकेंड कुर्ती. ये सिर्फ कुर्ती आपको मिल जाती है और इसमें फ्रंट में इतना वर्क दिया हुआ, और वर्क बहुत ही नीचली दिया हुआ है. नीट एंड क्लीन है, आप देखो इतना सा वर्क दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर एंड डिसेंट वर्क दिया, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में है कि मैं क्या बताऊँ. फैब्रिक रेवन की है, स्लीव्स में आपको ये इस टाइप की बॉर्डर मिल जाएगी. इस कुर्ती को मैंने बस इस एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए ही दिया हुआ है. सी, आप इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ, लोअर के साथ, प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हो, जींस वगैरह के साथ भी चल जाएगा, और इसमें इतने सारे कलर्स हैं कि आप किसी भी कलर के साथ वेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लुक रहेगा. सी एंड दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है एंड प्लेन कुर्ती है. साइड में भी आपको मिल जाती है. लुक एट दिस, ये कंप्लीट साइड में ऊपर से नीचे तक आपको मिल जाएगा, जो इसकी कुर्ती की जो खूबसूरती है उसे काफ़ी इन्हांस करता है. नीचे भी आपको ये चौड़ा सा बॉर्डर मिल जाता है. लुक एट द वर्क फिनिशिंग इसकी, आप देखो इतने कम प्राइस में ऐसी फिनिशिंग वर्क वाली कुर्ती. एंड फैब्रिक भी इसकी काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने में भी बहुत ही कम्फर्टेबल लगता है, तो बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती है. सो गाइस, द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन. सी, ये बहुत ही सिंपल सा खादी लुक में है. ये देखो, ये बहुत ही सिंपल, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ये बहुत ही सूट करेगा. ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगने और काफ़ी स्मार्ट लुक देता है. एंड इसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलता, बस इसमें कुर्ती और ये पैंट मिल जाती है आपको. एंड इसका लुक तो इतना स्मार्ट आता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा. एंड ये सिंपल सा पजामा है, आप देख लो, ये पैंट है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, अच्छी सी फिटिंग है इसकी. एंड ये इलास्टिक है इसके बोथ साइड, इलास्टिक से. ये देखो, पॉकेट भी मिल जाता है आपको, एक साइड में पॉकेट, अच्छी खासी पॉकेट है. पीछे आपको कुछ इस तरह का वर्क मिल जाता है. सिंपल सोबर बट एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत है. एंड ये इसके कुर्ती है एंड कुर्ती का आप देख लो कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग. समर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है इसका नेक डिज़ाइनिंग एंड स्लीव्स सिंपल है, प्लेन है, बस यहाँ पर आपको वर्क मिल जाएगा एंड बोथ साइड, दैट्स इट. इसमें वर्क आपको सिर्फ गले में ही मिलता है और कहीं वर्क नहीं है, बाकी प्लेन है. बट पहनने के बाद लुक आप देखोगे इसका कितना स्मार्ट वाला लुक आता है. एंड गाइज, ये है मेरी फेवरेट सूट. लुक एट दिस, ये
इसका दुपट्टा तो माय गॉड, ये काफ़ी वर्सेटाइल है। इसके दुपट्टे के साथ तो आप किसी भी सूट के, किसी भी सॉलिड कलर के सूट के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो, मस्त वाला लुक देगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में आप इसे कैरी कर सकते हो। तो पहले दुपट्टे से ही स्टार्ट करते हैं। ये इसका दुपट्टा है, लुक एट दिस। इसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ परफेक्ट है एंड कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। एंड सी, इस तरह की साइड में आपको लेस, गोटा पट्टी की लेस मिल जाती है। इसे आप दोनों तरफ से ले सकते हो, साइड से भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, जनरली जैसे लेते हो वैसे भी ले सकते हो। तो साइड में आपको इलास्टिक मिल जाता है एंड फ्रंट में कुछ इस तरह की है। एंड दैट्स इट, पॉकेट आपको मिल जाता है इसमें। सी, पॉकेट भी है, बोथ साइड है, नहीं वन साइडेड पॉकेट है। एंड दैट्स इट, कुर्ती है, ये पैंट है, इसकी भी फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी आती है, फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है। नाउ दिस इज कुर्ती, लुक एट दिस। ये आप छोटे मोटे ओकेजन्स वगैरह में, छोटे मोटे कि आप ऐसे भी कहीं कहीं आप पार्टी वगैरह में जाते हो तो भी इसे अच्छे से एक्सेसराइज कर करके इसे काफ़ी एक्सपेंसिव लुक्स दे सकते हो। बहुत ये कले का वर्क है, द फिनिशिंग, एक भी धागा आपको इधर उधर नहीं दिखाई देगा, बहुत ही खूबसूरत सा वर्क किया हो गया है। सीक्वेंस का वर्क, सीक्वेंस का भी वर्क किया गया है, लुक एट दिस, बहुत खूबसूरत है। इसके नेक में ही आपको मिलेगा एंड ये स्लीव्स वगैरह में कुछ इस तरह की गोटा पट्टी की मिल जाएगी। दैट्स इट, सिंपल एंड प्लेन बट काफ़ी स्टाइलिश। दिस वन इज़ माई फेवरेट वन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। और आप बताना गाइस कि आपको इन सारे कुर्तीज़ वगैरह में से आपको कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। कुर्ती इज़ दिस वन, इसके साथ आपको पैंट मिल जाता है एंड इंडिगो प्रिंट की कुर्ती, समर्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो काफ़ी स्टाइलिश लुक देती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आपको पैंट मिल जाता है, कॉटन की है, काफ़ी खूबसूरत है, लुक एट दिस। प्लाजो मिल जाता है ये आपको, इसकी थिकनेस इतनी है। इसमें आपको बोथ साइड इलास्टिक मिल जाता है एंड ये है कुर्ती जो इसकी नेक कुछ इस तरह की इसकी डिज़ाइन एंड इसमें बहुत ही खूबसूरत सा बटन दिया हुआ है सीधा। ये स्लीव्स है, इसके सामने में हाई स्लिट है, आप देखोगे ये ऊपर तक स्लिट है एंड साइड में इसके नहीं है, फ्रंट स्लिट है इसमें, आपको देख जाता मिल जाता है। लुक एट दिस, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही स्टाइलिश भी लुक देता है। तो ये थे मेरे सारे कुर्तीज़ गाइज, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी कुर्ती सबसे अच्छी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, आइडियाज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।